आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को परमेश्वर के बड़े भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दैन आयुक्त ग्रंथ 42 अध्याय में चल रही है। हमारे कल के अध्ययन में हमने पहला वचन से लेकर छठा वचन तक पठन किया था। आज के हमारे पठन को वहां से आगे जारी रखते हैं। तो आए सब मिलकर आयुब का ग्रंथ 42 अध्याय का 7वां वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान में आगे बढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि यहोवा ये बातें आयुब से कह चुका, तब उसने तिमानी एलिपेथ से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास आयुब ने मेरे विषय में कही है वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुनकर तेमानी एलिबर शोही बिलदद और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना अय्यूब का पहला था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके भाई और उसके बहन और जितने पहले उसको जानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक बाली दी। और यहोवा ने आयु के पिछले दिनों में उसके अगले दिनों से अधिक उसको आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़े बैल और 1,000 गधियां हो गई, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम तो यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का करण हकूक रखा। और सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों की समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। अय्यूब का ग्रंथ 42 अध्याय का 7वां वचन से लेकर 17वां वचन तक अर्थात अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम परमेश्वर को अपना क्रोध दिखाता हुआ और क्रोध अय्यूब के तीनों मित्रों के साथ, लेकिन परमेश्वर अय्यूब के साथ बात नहीं करते हैं, एलिपद से बात करते हैं, और एलिपद से कहते हैं तेरे ऊपर और तेरे दोनों मित्रों के ऊपर मेरा क्रोध भड़का है। इसका कारण परमेश्वर बताते हैं कि तुमने ऐसी बातें मेरे बारे में नहीं कही हैं जिस तरह से मेरा दास अय्यूब ने कहा है। अय्यूब ने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है। मैं तो चाहता था कि तुम भी सही कहे, परंतु तुम में से किसी ने ऐसा ना कहा, इसलिए मेरा क्रोध तुम पर भड़का है, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने विषय में प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित के लिए 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास लेकर जाना, क्योंकि वो तुम्हारे निमित्त होम बलि चढ़ाएगा। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करेगा, क्योंकि मैं उसी की ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बातें नहीं की हैं। स्पष्ट रीति से परमेश्वर अपने शब्दों में एलिपस से, बिलदद से और सोपस से कहते हैं, मेरे क्रोध अगर तुमसे दूर होना है तुम्हारी मूर्ता के आधार पर, अगर मैं तुमसे बर्ताव ना करूं तो मेरे कहने के अनुसार होम बलि के लिए बैल और मेढ़े ले जाकर मेरे दास अय्यूब को दे देना। अय्यूब तुम्हारे विषय होम बलि चढ़ाएगा और तुम्हारे विषय मेरे सामने प्रार्थना भी करेगा। मैं केवल अय्यूब की प्रार्थना को ग्रहण करूंगा और किसी की प्रार्थना को मैं ग्रहण ना करूंगा। एलिफस ने, सोपर ने और बिलदद ने परमेश्वर के कहने के अनुसार किया, और अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना अय्यूब का पहला था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। परमेश्वर अय्यूब के मुंह से ये प्रार्थना करवाने का एक बड़ा राज है, एक बड़ा रहस्य है, और वो ये है, यदि अय्यूब काम न करता, अपने मित्रों के विषय में वो क्रोध को भड़काए रखता और अपने मित्रों के विषय में वो घृणा की बातें करते रहता, उनके पर शिकायतें करते रहता,
परंतु परमेश्वर चाहता है कि हर कोई मनुष्य एक दूसरे को क्षमा करें, सभी के अपराधों को क्षमा कर दे, उनके विरोध में जो कोई भी कहे हैं, घात किए हैं, जो कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, उनको क्षमा करना चाहिए। जब अय्यूब अपने मित्रों को क्षमा करके उनके विषय में प्रार्थना करता है, उसके अंदर से जितनी कड़वाहट थी, जितनी शिकायतें थी, जितना क्रोध था, जितना नफरत था, जितना द्वेष था, और जितनी बातें वह उसके मित्रों की अज्ञानता, उनकी मूर्खता के विषय में कहा था, उन सबों को भूल जाता है, उन सबों को दूर कर देता है। परमेश्वर इस प्रकार से उसके मन के अंदर से हर प्रकार के कड़वाहट को दूर करके उसे शांति से भरता है। और शांति से भरा हुआ यह हृदय, आनंद से भरा हुआ यह हृदय, खुशियों से भरा हुआ यह हृदय हर किसी को अच्छे मन से, अच्छी नजर से देखता है, उन्हें प्रेम करने लगता है, और इसी प्रेम में परमेश्वर के आशीर्वाद आते हैं। इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि अय्यूब के भीतर से कड़वाहट को दूर कर दे और उसके भीतर प्रेम को भर दे, ताकि परमेश्वर के आशीर्वाद उसके ऊपर आ सके। और इसके बाद ऐसा हुआ कि अय्यूब के जितने भी भाई थे, बहन थे, और जितने उसे जानते थे, और ये सब जो उसे छोड़कर चले गए थे, वे सब वापस लौट आते हैं और अय्यूब के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके विषय में विलाप करते हैं और उसे शांति देते हैं। इसके साथ साथ जितने भी लोग उसके शांति देने के लिए आए, उसके लिए विलाप किया है, वे सब एक एक सिक्का और उसके साथ में सोने का एक एक बाली भी दिया है। इन सब के कारण फिर से एक बार अय्यूब के पास धन लौट आती है, और ये सारा धन जो उसे उपहार के रूप में, भेंट के रूप में मिली है, उस सबसे वह अपने पशुओं को खरीदने लगता है। जितने आशीर्वाद, जितने बरकतें, जितनी संपत्ति उसके पास पहले थे, उससे दुगनी परमेश्वर ने कर दिया। अय्यूब के पिछले दिनों को अगले दिनों से परमेश्वर ने और अधिक आयत से आशीष दिया है। इतना ही नहीं, ये सब होने के बाद अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न होती हैं, और तीनों बेटियां इतनी सुंदर थी कि उनके बराबर के, उनके जैसा वहां पर कोई और नहीं थे। उनमें से बड़ी बेटी का नाम उन्होंने यमीमा रखा, दूसरी का नाम कसिया रखा, और तीसरी के नाम किरण हकपोक रखा। अय्यूब ने अपनी बेटियों को बेटों के साथ में बराबर की संपत्ति पार कर दी है। इतने सब आशीर्वादों के साथ, इतने सब कामों के साथ, इतने सब बरकतों के साथ अय्यूब को इसके आगे 140 वर्ष की जीवन मिलते हैं। वो अपने 4 पीढ़ियों को देख पाता है, अपने वंशज को देख पाता है। इसके बाद अय्यूब निदान अपने वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर वो मर गया। वचन सुन रहे प्रेषण, और अय्यूब जिस प्रकार के अपने मन को प्रायश्चित में लेकर आता है, अय्यूब के मित्र भी अपने मन को प्रायश्चित में लेकर आते हैं। परमेश्वर जब बातें करते हैं और उसके उत्तर में जब सब लोगों ने अपने सिरों को झुकाया है, मनों को बदला है, इसी प्रकार से दीनता की और नम्रता का मन परमेश्वर सभी को प्रदान करने के लिए, और इन सबसे बढ़कर परमेश्वर ने जिस तरह से अय्यूब के भीतर से कड़वाहट को हटा दिया है, अय्यूब की प्रार्थना को सुना है, अय्यूब के भीतर शांति को भरा है, अय्यूब के भीतर प्रेम को भरा है, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें भी करने के लिए, और साथ ही साथ परमेश्वर ने जितने आशीर्वाद अय्यूब को दिए हैं, उतने आशीर्वाद हम सबको भी देने के लिए, उससे भी बढ़कर परमेश्वर हम सबों को तृप्त करने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, फिर से एक बार आपकी दी हुजूरी में अपने आप को समर्पण करते हैं। दीनों नम्र होकर प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हम सब से प्रभु जी आपने जो बातें कही हैं, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। अय्यूब के जैसा मन परमेश्वर और उस प्रकार के चरित्र हम सबको प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह अपने अय्यूब की प्रार्थना को सुनी है, उसी तरह से प्रभु हमारी प्रार्थना भी सुनेंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हमारे दैनिक जीवन की प्रभु जी जो आवश्यकता है, प्रभु जी अपने स्वर्ग के भंडार को खोकर हम तक पहुंचाते रही है। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय तक प्रभु जी इस प्रकार के संभाले रखिए। अगर प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है, कल सुबह फिर से मिलकर स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर देवोत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए, हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की दिव्य अनुग्रह निरंतर आपकी पड़ोती रहे। हर कष्ट, हर मुसीबत को, हर संकट को परमेश्वर आपसे दूर रखे। खुशहाली के जीवन, बरकतों से भरा जीवन, आशीषों से भरा जीवन परमेश्वर निरंतर आपको प्रदान करें। कभी किसी हाल में, किसी परीक्षा में आप घिर जाते हैं, परमेश्वर की सहायता, अगुवाई निरंतर आपके साथ हो सके। प्रवेश मसीह के बादलों के आगमन के समय तक आप इसी प्रकार से खुशहाली की जीवन प्राप्त करते हुए परमेश्वर के जीवित गवाह ठहरे। हमारे सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। God bless you.